जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, जमीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल शर्त है तक मिले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। अब हम शायर इस्लाम जनाब अशफाक करीमी साहब को दावत स्टेज देते हैं कि वक्त का ख्याल रखते हुए तशरीफ लाएं और महफिल के अंदर इमाम की चिंगारी को बेदार फरमाएं। ऐ मुजाहिद, नाते नबी गुनगुनाने के लिए आ, नगमाए मोहम्मदी ढूंढ ढूंढ कर सुनाने के लिए आ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अभी अभी हम तमाम नवा के दरमियान हजरत क़ारी नसीम अख्तर साहब रहमत बरकातुहू तशरीफ़ फरमाते, बड़ी कीमती बातें हम तमाम लोगों के दरमियान रखें। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों से, अल्लाह पाक से हम तमाम लोग दुआ गो हों कि इनके ज़बान से जो भी बातें हम तमाम लोगों ने सुना, अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए दोस्तों, मैं कुरान की हवाले, कुरान के ही हवाले से सीधे सीधे, चूँकि दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, मैं सीधे सीधे दो शेर कुरान पाक के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मौलाना सुफियान साहब और मौलाना इफ्तिखार साहब और जितने भी अहले स्टेज है, इन तमाम लोगों के हवाले करता हूँ, मुलाहजा फरमाए। कोई शैतान, कोई शैतान बनता है। सुभान अल्लाह बोलिएगा, सुभान अल्लाह, बुखल से काम मिले बिल्कुल करके सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हो लोग सबसे दाद देते रहे, बड़े सुभान अल्लाह। कोई शैतान बनता है, कोई हैवान बनता है, कोई शैतान, कोई शैतान बनता है, कोई हैवान बनता है, कोई ऐसी गलती की है, 26 आयत कुरान पाक से हटाने के बाद उसी हवाले से तमाम अहले स्टेज को जाने वाली शेर पेश कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह पेश करूंगा। मुलाहजा फरमाएं। तेरे आप लोग मुस्लिम शेर पर तवज्जो दीजिए और सुभान अल्लाह बनाएं।
माशाल्लाह। तेरे बच्चे बाबा प्रिय हैं, तेरे बच्चे बाबा प्रिय हैं,
इरशाद इरशाद के आ गए हैं बहार चमन में पहलिया मुस्कुराने लगी है हमारे चूँकि ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए दिल करता है कि बैठ जाऊँ। अगर पसंद आ रहा है के आ गई है अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।